लालढांग चिल्लर खाल सड़क निर्माण को लेकर मांगी गई रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अधिकारी आज सरकार को सौंपेंगे। बता दें कि कल वन मंत्री हरक सिंह रावत ने रिपोर्ट तलब की थी। बीते दिनों डीएफओ ने सड़क निर्माण रोकने के आदेश दिए थे, जिससे नाराज होकर वन मंत्री ने इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी थी। बाद में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मामले में दखल दिया और अब हरक सिंह रावत फिर से एक्टिव हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो आज रिपोर्ट सौंपी जानी है और हरक सिंह रावत नाराज चल रहे थे लगातार, और मुख्यमंत्री ने बाद में हस्तक्षेप किया था अधिकारियों पर, वो कहीं ना कहीं काफी नाराज थे। और अब जब उन्हें रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो रिपोर्ट में क्या कुछ रहता है ये देखना होगा। लालढांग चिल्लरखाल सड़क निर्माण को लेकर ये रिपोर्ट मांगी गई है। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अधिकारी आज सरकार को ये रिपोर्ट सौंप सकते हैं। बता दें कि कल वन मंत्री हरक सिंह रावत की तरफ से ये रिपोर्ट मांगी गई थी। बीते दिनों डीएफओ ने सड़क निर्माण रोकने के आदेश दिए थे, इसी को लेकर काफी नाराज हरक सिंह रावत हो गए थे। उनका ये कहना था कि वो किस चीज के मंत्री हैं अगर उनसे पूछताछ नहीं होती किसी चीज को लेकर। बाद में खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा था और उन्होंने जब बीच बचाव किया, एक तरीके से बातचीत की, तब जाकर हरक सिंह रावत माने। और इस चीज पर जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी चुटकी ली थी, उन्होंने भी कहा था कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर भी असंतोष है और हरक सिंह रावत ने जिस तरीके से नाराजगी जताई, तो उस पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर जो प्रशासनिक अमला है वो बेकाबू हो चुका है, वो सुनता नहीं है किसी की, और ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जब बातचीत की तो मामला कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा है।